इंजॉय करो। आज आज दो जून है और 4 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। आज हमारे बीच में विभिन्न समाज संगठन के अनेक कार्यकर्ता मौजूद है। आज से फिक्स 1 महीना बाकी है और आप सबको उदयपुर की सबसे ऐतिहासिक निकलने वाली रथ यात्रा इसको इस बार और भव्य तरीके से निकालना है और ये संकल्प आज हम सब यहाँ पे लेकर जाएंगे। हमारे से जो जैसे भी होगा साम दाम दान भेद जैसे भी हो उदयपुर की इस भव्य रथ यात्रा में और किस प्रकार से ज़्यादा संख्या पर ला सकते हैं ये प्रयास अपना होना चाहिए। आज के बाद में आप हर अपने ग्रुप में हर उस कार्यक्रम को अखबारों और मीडिया में हाईलाइट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये मीडिया में और हाईलाइट होगा तो पब्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होगी। हमारे बीच व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर हमारे बीच में चंद्र सिंह जी गोसा जी साहब विराजमान है, उदयपुर भारतीय जनता पार्टी चौहान प्रेम सिंह जी सत्यावास साहब जो पूरे इस रथ यात्रा को आज से नहीं बहुत लंबे समय से पूर्ण रूप से सहयोग देते आ रहे हैं। मैं इनका आज का पधारे हुए सभी वरिष्ठ लोगों का और हमारे कार्यकर्ता और विभिन्न समाज संगठन से पधारे हुए लोगों सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और जो अध्यात्म स्वरूप आप सब लोगों ने समाज ने इस यात्रा को दिया उसके लिए सबसे पहले आप सबको साधुवाद। एक एक करके जुड़ते गए और कारमा बढ़ता गया। दिनेश जी जो बताया विशेष रूप से आप तो हमसे मिले थे और शहर में काफ़ी निर्माण काम अभी स्मार्ट सिटी के तहत भी चल रहे हैं और सीवरेज के तहत भी चल रहे हैं। हमने सारा रोड में सहयोग किया जाए हम करते हैं। सफाई के लिए लगातार पीछे हमारे मोटर टेबल खड़े हैं वो रहेंगे, सारे कर्मचारी रहेंगे और बाकी जो आध्यात्मिक या दूसरे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उन सब में जनता का उन सामाजिक संगठनों का सहयोग किया जाए। महासभा के विराजमान है हमारी जगह मेरी भी जिम्मेदारी क्योंकि नगर निगम भी प्रताप की जो यात्रा निकलती है वहाँ भी आप शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारे इसी आशा के साथ जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम तो वैसे भी निश्चित मान रहे थे कि चंद्र सिंह जी भाई साहब इस पूरी रथ यात्रा को सुचारू संपर्क करवाने में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में क्षत्रिय महासभा के राजेंद्र सिंह जी जगत विराजमान है, प्रेम सिंह जी जगन्नाथ स्वामी की जय। कैसे बढ़े इसके लिए जगन्नाथ आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और अपने अतिथि है वो सब आगे आ जाएंगे। रविंद्र जी मिश्रा, चंद्र जी मिश्रा, प्रेम जी मिश्रा सब आगे आ जाएंगे, अपने स्थान पर खड़े होंगे, फिर फोटोग्राफ लेंगे और डॉक्टर रहेगा। उसके बाद जगन्नाथ जी के चरणों में सशत वंदन और इस रथ यात्रा को भव्यतम स्वरूप प्रदान करने वाले हमारे यहाँ के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, वास्तव में भक्ति और शक्ति के दो अवसर हमारे सामने हैं। पहला अवसर है शक्ति स्वरूप महाराणा प्रताप की हमारी जो जन्मतिथि है उस दिन किस प्रकार से अधिकाधिक संख्या में इसे कार्यक्रम भव्य बनावें और उसके लिए प्रेम सिंह जी ने आप सभी ने आग्रह किया है और शहर के अंदर ये दो हमारे ऐसे कार्यक्रम है जिसके अंदर शहर की जनता बहुत मनोयोग से मन के भावों से उसके अंदर शरीक होकर उसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। मेरा तो रथ यात्रा प्रदान की है, शहर का प्रत्येक वर्ग प्रत्येक समाज से जुड़ चुका है और जिस प्रकार से शहर के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं और उस दिन सारे शहर के अंदर नहीं है तो पूरे राजस्थान के अंदर हमारे भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं। भव्यता को बनाए रखते हुए समाज के अंदर एकता शांति सौहार्द और सभी लोग मिलजुल कर शांति के लिए काम करें और सेवा मारे हैं और समाजों को आपने जोड़ा है। मेरा मानना है कि बहुत आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो लोग सहज रूप से आपके साथ जुड़े हुए हैं और इसको और अच्छा किस प्रकार से होते हैं अनुशासित रूप में करें। 1000 ध्वजा पत्रिका वितरण की जाएगी, इसमें आप सबका सहयोग रहेगा। आज से ही आप पूरे इस कार्यक्रम में तन मन की जय।
नमस्कार। जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, उससे पूर्व में हमारे जगदीश चौक के और पूरे उदयपुर के सभी कार्यकर्ता यहाँ जगदीश चौक पर इकट्ठे हुए, सभी ने बातें बता दी है। अब मैं चाहूंगा कि ये बंदूकें भी फूटेगी उस दिन बहुत जोरदार वाली, क्योंकि लगभग 100 मेवाड़ प्रताप दल द्वारा ऐसी 125 बंदूकें आएगी। हाँ बोलिए। अब आप मैं यहाँ पधारा श्री भक्त का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आगामी 4 जुलाई गुरुवार को जो रथ यात्रा निकलने वाली है, इस संबंध में आज ये पोस्टर विमोचन कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम को उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान लेवल तक इसको फैलाना है, इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। लो मेवाड़ प्रताप दल आओ, लाल जी मेवाड़ प्रताप दल के अध्यक्ष ले आओ। वाह वाह, अरे तो परसों ले दो। वाह चलो, यस यस चलो। इस बार जो मेवाड़ प्रताप दल की तरफ से महाराणा प्रताप स्मारक पर भी 21 बंदूकों की सलामी दी जाएगी और जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा जो निकलेगी उसमें भी 21 बंदूकों की सलामी दी जाएगी और कार्यकर्ता मोती मंगरी पे इकट्ठे होकर और स्थल मंदिर पे मेवाड़ प्रताप दल की तरफ से हमने भव्य स्वागत का भी ये मोती मंगरी का टाइम क्या है उदयपुर में? मोती मंगरी का हमने 7:00 बजे का टाइम रखा है, कार्यकर्ता सभी 7:00 बजे वहाँ आएंगे। धन्यवाद। फतेह सागर की पाल पे ओके धन्यवाद। भक्ति और शक्ति की धरा पर आज में 2 आयोजन हो रहे हैं। पहला आयोजन 6 जून को है महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा और दूसरा आयोजन है 4 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस रथ यात्रा को लेकर जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, रथ यात्रा आयोजन समिति के जो लोग पिछले कई वर्षों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, अब शहर के अंदर प्रत्येक जाति प्रत्येक वर्ग ने इस शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता निभाकर अपने कार्य को अंजाम देने का जो संकल्प लिया है, मैं चाहूँगा अधिकाधिक संख्या में शरीक होकर भगवान के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करें, उनके बताए मार्ग पर चलें और शहर के अंदर शांति का वातावरण स्थापित कराकर धर्म के प्रति हमारी क्या हमारे कर्तव्य होने चाहिए हम उसको पूरा करें। एक बार पुनः शहरवासियों को शुभकामनाएं। घनश्याम जी चावला साहब, आप तो बहुत पुराने हैं, बताइए। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा आगामी 4 जुलाई को होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में आज अभी यहाँ एक पोस्टर विमोचन किया गया है। ये पोस्टर विमोचन लोगों को जागरूकता करने के लिए कि आगामी 4 जुलाई को जो रथ यात्रा है उसमें सब अपने तन मन धन सब लगाकर इस रथ यात्रा में सम्मिलित होवें और इस शोभा यात्रा को अधिक से अधिक संख्या में। राजेंद्र जी श्रीमाली रथ यात्रा रथ समिति के अध्यक्ष भी है, जो चांदी का रथ है, आप तो हमें बताइए कि यार वो चांदी का रथ कितने किलो चांदी का है? इस रथ में लगभग 50 किलो चांदी लगी हुई है और इसकी साफ सफाई का काम आज ही से प्रारंभ हो गया है और 1 महीने तक इसका काम चलेगा और 4 जुलाई लगभग 1 जुलाई को हम इसको पूरा तैयार करें, जगदीश चौक प्रांगण में रख देंगे भगवान के दर्शन के लिए। अच्छा, कैलाश जी सोनी साहब जिन कैलाश जी जिनगर है, जितने भी रथ समिति के जितने भी घोड़े हैं उस सब रथ को बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं आप घोड़े को, तो कब से शुरू कर रहे हो ये काम? बस राजू भाई का ऑर्डर होते हैं, हम तो रथ की तैयारी करेंगे और हर साल की तरह इस साल भी 15 साल से सेवा। धन्यवाद। रमेश जी लालवानी साहब है, रमेश जी लालवानी, जितने भी उदयपुर में धार्मिक संगठन बने मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रमेश जी लालवानी सबसे पहले वे व्यक्ति है जिन्होंने उदयपुर के धार्मिक संगठन को बनाना स्टार्ट किया उदयपुर में, क्योंकि मैं स्वयं जानता हूँ सबसे पहले इन्होंने आज से 35 साल या 30 साल पहले धार्मिक संगठन बना था, उसका नाम था उससे भी पहले हिंदू सुरक्षा दल के बाद में इन्होंने बनाया शिवदल मेवाड़ और अब धर्मोत्सव समिति। सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये दल जो भी बनते हैं ना हिंदुओं के, उसलिए हिंदू में एकजुटता आती है, पावर आते हैं, एक दूसरे की समस्या समझते हैं, इसलिए रमेश जी लालवाणी को मेरी ओर से धन्यवाद कि इन्होंने 35 साल से हिंदू संगठन के लिए काम कर रहे हैं। सर बोलिए। इस वक्त श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सब समाज संगठन के व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, मैं सभी व्यक्तियों से यही निवेदन करूँगा कि सभी तन मन धन से एकजुट होकर इस सब साथ लग जाएं और इस रथ यात्रा को भव्य और विशाल बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आप स्वयं आपको भी बता दूं कि जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल हमारे यहाँ उदयपुर से निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर
मैं चाहूंगा कि हमारे दिनेश जी मकवाना साहब यही धाम धीम करते रहते हैं, क्योंकि रथ यात्रा तो ये कितनी बजे तारीख बता दें? जगन्नाथ यात्रा 4 जुलाई को निकलने वाली है भाई साहब। शोभला जी भाई साहब कह रहे हैं धाम धीम तो शोभला जी भाई साहब के आशीर्वाद से हम करते हैं और जगन्नाथ स्वामी की चाहत से हम करते हैं और पूरे उदयपुर धार्मिक माहौल रहे। और इस चैनल के माध्यम से जो कोई भी इस चीज़ को सुन रहा है वो जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा 4 जुलाई को रहने वाली है उदयपुर में, जगदीश चौक से 4:30 बजे रवाना होगी। आप सभी इस रथ यात्रा में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मतलब धूमधाम से था, धाम धीम से नहीं था यार, धूमधाम से निकालते हैं वो, अपन तो क्या इधर उधर मामला बढ़ जाता है। धन्यवाद राजू साहब। दोस्तों, हमारा ऐतिहासिक जगदीश मंदिर जिनके पुजारी है राम कुपाल जी, आप भी आपको बताएंगे कि ये रथ यात्रा कब से शुरू हुई। इसके साथ ही खड़े हुए हैं हमारे निगम के पार्षद देवेंद्र जी जावलिया, उसके बाद में सुतारवाड़ा मित्र मंडल के तुलसीराम जी माली भी खड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर सर, ये रथ यात्रा क्यों शुरू हुई जगदीश मंदिर में, क्योंकि आप यहाँ के पुजारी हैं? ये बोल जगन्नाथ स्वामी की जी, ये रथ यात्रा मैन जगन्नाथ स्वामी की है। पुरी से ये उत्सव यहाँ आया और जब से जगन्नाथ स्वामी विराजे उस दिन से ये निकलती आ रही। एक समय ये था कि घंटाघर का राउंड काट के वापस मंदिर में आती थी, उसके बाद कोई ऐसा समस्या आई, उसके बाद ये मंदिर में फिरने लगी। मंदिर में 15-20 साल मंदिर में फिरी, उसके बाद वापस जनसमूह और भक्तों ने चाहा, इसलिए ये अब सदर बाजार होती हुई जीणी रेत मोचीवाड़ा इधर RMB स्कूल होती हुई वापस यहाँ आ रही। और ये भगवान जगन्नाथ स्वामी का मेन उत्सव है। सुभद्रा, बलदेव और कृष्ण ये माना जाता है, ये ससुराल जाते हैं। इस तरह की ये पूरी पूर्ण बात है और इस पे भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा यहाँ 20 साल से बाहर निकलती आ रही है, जो शहर में घूमती आ रही है। और इस दिन भगवान को वाघा धराया जाता है, रथ में विराजते हैं, मंदिर में भी एक रथ निकलता है, उसमें सूर्य नारायण पे पूजा होती है और पूजा आरती अर्चना माँ आरती होगी, उसके बाद नीचे बड़े रथ में पधारेंगे और यहाँ विराज के शहर के लिए भ्रमण के लिए निकलेंगे। इसलिए आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में दर्शन का लाभ लें, दर्शन का लाभ ले और अधिक से अधिक संख्या में पधारने का सभी संगठनों को, सभी भक्तजनों को निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें। मेवाड़ प्रताप दल के ही तुलसीराम बाबू जो कि सुतारवाड़ा मित्र मंडल के भी हैं, ये कितनी बंदूकें फोड़ोगे मेवाड़ प्रताप दल वाले यहाँ पे? तो हमारा अध्यक्ष को ही जानकारी है, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। 21 या 51 तो फोड़ेंगे ही है। 21 या 51 बंदूकों की सलाह भी दी जाएगी। नगर निगम के और समिति के अध्यक्ष भी हैं, आप भी कहें सर। सर, मैं तो यही निवेदन करता हूँ 4 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में रथ यात्रा में पधार कर सबका सहयोग करें और दर्शन लाभ लें। पूर्व पार्षद रमेश जी सोनी, मैं मेवाड़ चैनल के माध्यम से आम जनता को यह कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को निकलने वाली जगन्नाथ यात्रा में अधिक से अधिक इस शहर की जनता ही नहीं, पूरे आसपास के गांवों से जो भी अपने मित्र परिगण जो भी अपने आना चाहे सबको साथ में लेके इस यात्रा को सफल बनाए। वेरी गुड, आओ केंदुस्ताद। ये केंदुस्ताद हमारे केबल ऑपरेटर भी हैं, हमें भी खुशी होती है कि एक केबल ऑपरेटर भी इस संगठन से जुड़ा हुआ है। शिव सिंह चौहान, क्या बोलूं अब, ये तो क्या केबल का काम करता है, जगन्नाथ भगवान का काम करता है, ये बोलता क्या बोलूँ, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी अच्छा बोल सके, काम बहुत अच्छा करते हैं। सत्यनारायण जी गहलोत आइए, आप भारतीय मजदूर संघ के बड़े नेता है आजकल, थोड़ा आज जगन्नाथ रथ यात्रा का पोस्टर का विमोचन था। मैं शहर की जनता से अनुरोध करूंगा कि इस जगन्नाथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। धन्यवाद।